वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बर्तनों के बारे में बात करने वाले हैं, धातु विज्ञान के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे शरीर में जिन पात्रों में, जिन पूरे दिन में हमें जिन पात्रों में खाना खाना चाहिए, या हमारी जो रसोई है या किचन है उनमें किन पात्रों को हमें स्थान देना चाहिए, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अभी ये जब आप वीडियो देखना शुरू कर रहे हैं, इससे पहले आपको एक बेसिक नॉलेज तो ये आ गई होगी कि एल्यूमिनियम के बर्तन हमारे लिए खतरनाक है। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता थी अभी तक, तो आप पूरे गूगल को, यूट्यूब को सर्च करिए, वहाँ पे आपको हंड्रेड ऑफ एविडेंसेस इस तरह के मिल जाएंगे जो आपको ये बता देंगे कि एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना खाना हमारी सेहत के लिए हानिकारक है, नुकसानदायक है। फ़ायदा तो दूर की बात है, नुकसान बहुत करेगा। तो एल्यूमिनियम, और हमारी दुविधा क्या है कि हमारी रसोई में आज भी कम से कम 70-80% जो बर्तन है वो एल्यूमिनियम, हिंडोलियम ये बने हुए हैं, यानी नुकसान अच्छे खासा ये हमें कर रहे हैं, जबकि हमारे बर्तनों में एल्यूमिनियम का अंश तक भी नहीं होना चाहिए प्रैक्टिकली। तो सबसे पहला जो हमें काम करना है, क्योंकि ये 100% इस चीज़ के ऊपर एग्रीमेंट है कि एल्यूमिनियम के बर्तन नुकसान करते हैं, चाहे आप साइंस को सुने, चाहे आयुर्वेद को सुने, चाहे आप नेचुरोपैथ को सुने, सब लोग आपको इस पे एग्री कर जाएंगे कि एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना खाना ठीक नहीं है। हाँ, कुछ आपको ऐसे दार्शनिक मिल सकते हैं जो एल्यूमिनियम के साथ किसी के एलॉय को देकर कहें ये आपको नुकसान नहीं करेगा या नहीं करेगा, लेकिन मुख्य तौर पर मानिए एल्यूमिनियम हमारे लिए हानिकारक है। एल्यूमिनियम से बने हुए एलॉयज, जहाँ तक बर्तनों की बात है, हम उसमें इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे। तो सबसे पहला काम हमें जो करना है, जो हमारा मोटिव है आज की वीडियो में, कि एल्यूमिनियम को घर से बाहर करना है। अब सवाल बड़ा आसान कि भैया अभी तक तो हमारे घर में 70-80% एल्यूमिनियम आ रहा था, एल्यूमिनियम को जब हम बाहर कर देंगे तो फिर उसकी जगह लेकर किसको आए? तो दूसरा जो सबसे बड़ा प्रोबेबल आपके पास में आंसर आता है वो आता है स्टील। तो एल्यूमिनियम को बाहर करके जहां जहां पर आपको लगता है स्टील लेकर आ सकते हो, रेकमेंडेड है स्टील ले आए, इससे जो होने वाला नुकसान है वो काफी हद तक बच जाएगा। लेकिन स्टील भी बहुत अच्छा मेटल माना नहीं जाता। वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको एक आसान सा ऑप्शन दे रहा हूं, अगर आपको लगता है कि पात्रों को, खाने के पात्रों को इस्तेमाल करने से मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को रोग ना हो, तो एल्यूमिनियम के जितने बर्तन हैं इनको कोशिश करें बाहर करने की, इनकी जगह पे जहां तक हो सके स्टील के बर्तन ले आइए। साइंटिफिक टर्म्स में, वैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम देखें तो स्टील ना आपको फायदा करेगा ना नुकसान करेगा, कम से कम नुकसान से हम बचा लेंगे। और इससे आगे की वीडियो अब जो अगर आप देखना शुरू कर रहे हो, तो ये उन लोगों के लिए लाभकारी है जो बर्तनों से नुकसान एल्यूमिनियम से हो रहा था, स्टील से मानिए ना फायदा ना नुकसान। अब हम जो आप वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि अगर पात्रों को सही तरीके से चुन लें तो कितना लाभ है जो शरीर को मिल सकता है, तो अब इससे आगे वीडियो वही लोग देखें जो ये जानना चाहते हैं कि पात्रों में, किस तरह के पात्र में कौन सा भोजन किस समय पर किस तरह से बनाएं जिससे हमारे शरीर को लाभ पहुंचे, दवाइयों के ऊपर, रोगों के ऊपर हमारी डिपेंडेंस जो हमारा, उसके लिए हम उसके आगे विवश हैं, वो हमारी जो विवशता है वो काफी हद तक कम हो जाए। तो मुख्य तौर पर मैंने आपको जो एक बेसिक, इस वीडियो को शुरू करने से पहले जो मुख्य बात आपको बतानी थी, एल्यूमिनियम स्टील का कॉम्बिनेशन, वो मैंने आपको बता दिया। आगे आगे चल के हम पूरी वीडियो में इसकी और क्लैरिटी करेंगे। दूसरी बात, जितनी नॉलेज आज इस समय पूरे जगत को मेटलर्जी या मेटल वेसल्स के बारे में है, ये बात मानकर चलिए वो 20% नॉलेज है उस ज्ञान के मुकाबले जो हमारे पूर्वजों को थी। खासकर भारतीय संस्कृति में जो हमारे पूर्वज थे, जितना ज्ञान उनके पास में धातु विज्ञान का था, उसका 20% तक तकरीबन ज्ञान है इस वक्त हमारे पास में। तो इसीलिए जो बात मैं आपके साथ में आज साझा करने वाला हूं, उसकी रेलेवेंस बहुत कम रहने वाली है। मैं आपको जितना अभी तक का ज्ञान हम सब ने, ह्यूमन मैनकाइंड ने, आज के भौतिक जगत में हमने जो अर्न किया हुआ है, जितनी नॉलेज हमें है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन ये मानकर चलिए अभी 80% तक की रिसर्च है जिसके ऊपर हमें काम करना है, जिसको हमें जानना है। मेटलर्जी,
खासकर जब आप यूटेंसिल्स की बात करेंगे जो हमारा कार्य क्षेत्र है, इसमें 80% का काम अभी भी बाकी है। हर एक चीज को जानना, पहचानना, उसके रीजंस को ढूंढना और फिर इनका जो है अमल करना, ये 80% की रिसर्च अभी बाकी है। तो जो भी मैं आपके साथ में आज जितना भी ज्ञान आपको शेयर करने वाला हूं, उसके अंदर थ्योरी को शेयर करूंगा, जितनी कंप्लीट थ्योरी आपको अलग अलग चैनल से जहां पर भी मिलती है वो सारी आप आज आपको एक ही वीडियो में मिलने की संभावना है। प्रैक्टिकल तरीके से कोई भी चीज़ मैं आपके साथ जो शेयर करता हूँ, आप जानते हैं वाक्षी की ये नेचर है कि जब तक हम उसे प्रैक्टिकली खुद ना करके देख लें तब तक हम आपके साथ साझा नहीं करते। तो इसीलिए मैं कह सकता हूँ मुझे 1-1.5 महीने का अनुभव है। ये जितने बर्तन आप देख रहे हैं मेरे घर की किचन से लाए हुए बर्तन हैं, जिस अवस्था में वो बर्तन थे उसी अवस्था के अंदर मैं लेकर आया हूँ ताकि आपके साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करूँ, केवल थ्योरी की बात ना करूँ। और जैसा मैंने बताया, रिसर्च अभी केवल 20% हुई है, 80% अभी बाकी है। जो जो चीज़ हम जान चुके हैं हम आपको बता देंगे, जो अभी जाननी बाकी है उसमें फ्यूचर में भविष्य के अंदर उस पर रिसर्च चल रही है और धीरे धीरे हम उसको भी आप तक लाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। बहरहाल धातु विज्ञान के बारे में मैं आज जो वीडियो बनाने वाला हूँ ये बहुत ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा, इसको मैं क्रिस्प क्लियर रखूंगा, क्योंकि आप जब भी बर्तनों के बारे में वीडियो देखते हैं, हमने भी जब देखा तो हमेशा वीडियो देखने के बाद में हमें महसूस हुआ ज्ञान तो हमने प्राप्त कर लिया, लेकिन बर्तन कहाँ से आएंगे, कौन सा बर्तन, कौन सा पात्र जो है किस चीज़ का होना चाहिए, इस चीज़ को डिसाइड करना बड़ा मुश्किल था। तो इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपके साथ में जो भी चीज़ साझा करने वाला हूँ उसमें मैं आपको क्रिस्टल क्लियर बताऊंगा सुबह से शाम तक कौन सी चीज़ कौन से पात्र में बनाएं, किस चीज़ की सावधानी रखें, कैसे उनको वॉश करना है और कैसे उनको मेंटेन करना है, कहाँ से उनको खरीदना है और किस तरह की मिलावट होने का खतरा है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ ताकि सीधा प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस पे हम आएं। इससे पहले मैं चाहता हूं अगर आपको चाहिए कि धातु विज्ञान में जहां तक बर्तनों की बात है इसके बारे में हम और नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो आप 3 चैनल्स हैं, इन 3 चैनल्स को देखेंगे, इनकी वीडियो को सुनेंगे तो थोड़ी और जानकारी आपको मिल जाएगी। सबसे पहले आप देख सकते हैं नित्यानंद जी का चैनल है जिसमें उन्होंने बर्तनों के बारे में बात की हुई है, तो आप यूट्यूब पे जाके नित्यानंद जी वैसल करके टाइप करके एंटर करेंगे तो उनकी वीडियो मिल जाएगी, उसको आप देख सकते हैं। दूसरा वीडियो लिंक जो है वो चक्रधारी सौरभ भैया हैं, बड़े भैया हैं, उनसे हमने इस वीडियो को बनाने से पहले काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे, उनका भी जो ज्ञान था वो हमने इस वीडियो में सम्मिलित करने का प्रयत्न करेंगे। तो चक्रधारी और आगे वेसल डाल देंगे तो उनकी वीडियोस जो है धातु विज्ञान के ऊपर उन्होंने बनाई है उसको आप सुन सकते हैं, वो हमसे थोड़ा आगे हैं। और तीसरी चीज़, जैसा आप जानते हैं हमारा समाज सुप्त व्यवस्था में है, बिल्कुल हम सोए हुए हैं, इसको झंझोड़ कर जिस इंसान ने, जिस व्यक्ति ने सबसे पहले हमें जगाया वो श्री राजीव दीक्षित जी, उन्होंने बर्तनों के बारे में बहुत कुछ अच्छा बताया हुआ है, उनको आप सुन सकते हैं। तो ये 3 वीडियोस को आप सुन सकते हैं अगर आपके पास में समय होगा। अपनी वीडियो को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए मैं सीधा प्रैक्टिकल अप्रोच पे आ रहा हूँ, किस चीज़ को, किस बर्तन को सुबह से लेकर शाम तक कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे उसको साफ करना है, कहाँ से वो मिलेंगे और मिलावट किस प्रकार की उसमें होने की संभावना है, इसको हम समझेंगे और अपनी किचन को बनाना शुरू करेंगे अगर हम चाहते हैं बर्तनों से होने वाला लाभ हमारे परिवार में पहुँचना शुरू करें। सबसे आपको पहले क्या करना है, सुबह उठना है, रात को जब आप सोते हैं तो करना क्या है, ये देख रहे हैं मेरे पीछे ये लकड़ी की एक अलमारी है, इस तरह का कोई भी काउंटर आपके घर पे होगा उसमें तांबे के लोटे के अंदर पानी भरना है और वो आपने इसके ऊपर रख देना है। तो सबसे पहले जब हमें रात को पानी रखना है तो तांबे का इस तरह का एक लोटा है, ये जितना अच्छा गोल होगा उतना अच्छा, इस तरह के तांबे के बर्तन के अंदर हमने पानी को रखना है और लकड़ी के को काउंटर के ऊपर इसको रखना है, पत्थर के ऊपर, ज़मीन के ऊपर, मेटल की कोई सरफेस हो उसके ऊपर नहीं रखना चाहिए। जितना हम लकड़ी के ऊपर रखेंगे, क्योंकि लकड़ी के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं रहती, तो जितने चार्ज आयंस इसके अंदर होंगे ऐसा कहा जाता है, इसकी ऊर्जा और बढ़ती है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, जिन बर्तनों की हम बात करने वाले हैं इसके बहुत सारे आयाम हैं, ये केवल साइंटिफिक तथ्य में कौन से आयंस शरीर में जाने वाले हैं उनके ऊपर बात नहीं है, ये अपनी ऑरा अपने साथ कैरी करते हैं, अपना सौभाग्यशाली इनको बोला जाता है। तो ये बर्तन जो है ये केवल, अभी तो मैंने जैसा बताया 20% ही हम लोगों के पास नॉलेज है, 80% इसकी जो नॉलेज है जो हमारे पास नहीं है उसके अंदर ऊर्जा का जो क्षेत्र है कि कितना ऊर्जावान ये होते हैं, कितनी ऊर्जा ये पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर में ला सकते हैं, सबसे बड़ा खेल तो इसी चीज का है जिसके बारे में हमारे पास में अभी मैं कहूंगा 1-2% ज्ञान भी नहीं है जितना हमारे पूर्वजों को था।
तो इसीलिए अभी जो हम चीजें बता रहे हैं, हम उन चीजों पे बात करेंगे जिनका कोई नुकसान नहीं है, केवल अगर उनको हम कर रहे हैं और हमारे शरीर में लाभ पहुंच रहा है तो क्या नुकसान है। तो मैं उसी तरीके से आपको एग्जैक्टली बताना चाहूंगा ताकि दिमाग में आपके एक स्थिति जो है बन जाए। इसके कितने रीजंस हैं, क्या क्या इसके प्रूफ्स हैं, उनको जितना हमें पता है उतना हम आपको बता देंगे, नहीं तो आने वाले समय के अंदर इसको भी साझा करने का प्रयत्न रहेगा। तांबे का लोटा, लोटा होना चाहिए प्रेफरेबली, जग के मुकाबले लोटे की सिग्निफिकेंस ज़्यादा होती है, इसीलिए लोटे के अंदर अगर हम पानी को, जल को रखते हैं और उसके बाद में लकड़ी के इस तरह के काउंटर के ऊपर आप इसको, लकड़ी की मेज पे, लकड़ी की काउंटर के ऊपर रात भर इस पानी को छोड़ देते हैं तो कॉपर पानी के अंदर रिलीज होगा। कॉपर पानी के अंदर रिलीज होगा तो एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज कॉपर की साइंटिफिकली प्रूवन है, इसका हमें फ़ायदा मिलेगा जब सुबह उठकर हम इस पानी को पियेंगे। पूरी रात इसमें कॉपर रिलीज हो रहा था, इम्यून सिस्टम बढ़ाएगा, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो इससे बढ़ती है, हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा ये अच्छा रखने में मदद करता है। अन्य बहुत सारे लाभ हैं जो कॉपर के वेसल के अंदर रखे हुए रात भर पानी का लाभ हमें मिलता है। अब इसमें करना क्या है, अगर गर्मियां हैं तो ये रहा चांदी का सिक्का, प्योर चांदी का सिक्का है, पूजा में इस्तेमाल करते हैं, भारतीय घरों में आजकल बहुत मिलेगा। रात को गर्मियों के अंदर इसके अंदर चांदी का सिक्का डाल देना चाहिए। अगर चांदी का सिक्का डाल देंगे तो क्या होगा, तांबा भी रिलीज होगा और उसके साथ चांदी भी रिलीज होगी। सुबह उठ के जब गर्म करके पियोगे तो तांबा और चांदी दोनों शरीर में जाएगी गर्मियों में, जो शरीर के लिए दोनों मेटल्स गर्मियों के लिए बहुत अच्छे हैं। तो कॉपर और चांदी ये दोनों आपको मिल गई। सर्दियां होंगी तो क्या करना है, चांदी के सिक्के की जगह पे कोई सोने की प्योर सोने की कोई चेन हो, कोई भी सोने का ऑर्नामेंट हो, सोने का अगर आपको सिक्का मिल जाता है 1-2 ग्राम का, ऐसा कुछ हम डाल सकें, या पतली उसकी जो है कोई एक तार बना सकें, इस तरह का कुछ भी अगर हम डालेंगे तो सोना और तांबा सर्दियों में पीना है, गर्मियों में चांदी और तांबा ये पीना है। रात भर आपने रखा काउंटर पे, सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या करना है, इसको लेकर जाना है रसोई में। लेकर जाने के बाद में आप इसको अगर सीधा गर्म करना चाहो सीधा भी गर्म कर सकते हो। हमें अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला जिसमें कॉपर में पानी रखा और कॉपर को हम गर्म कर रहे हो तो कोई भी प्रॉब्लम हो। याद क्या रखना है, कॉपर के अंदर पानी का ही इस्तेमाल करना है, किसी भी दूसरे पदार्थ को आपको डालने की जरूरत नहीं। दूध, दही, छाछ, मक्खन कुछ भी कॉपर के अंदर नहीं डलेगा। कॉपर के वेसल का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो केवल पानी ही डलेगा, कुछ और उसमें नहीं डलेगा, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो सुबह आपने इसी को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, गर्म करने के बाद में कांसे का गिलास हो सकता है। पूरा दिन जो पानी पीना है, बहुत लोग हैं जो क्या करते हैं पूरा दिन इसका पानी पीते रहते हैं, डेंजरस है। अगर सारा दिन तांबे के बर्तन का पानी पीते रहोगे तो शरीर में कॉपर की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, आगे जाके प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसीलिए करना क्या चाहिए, तांबे के बर्तन के पानी को केवल सुबह पियो, 2 गिलास 3 गिलास 4 गिलास जितना पीना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, एक बारी में जो पीना चाहते हो तांबे के बर्तन का पानी सुबह एक बार पी लो, पूरा दिन नहीं पीना। पूरा दिन कौन से पात्र में पानी पी सकते हैं, मिट्टी के गिलास में पी सकते हैं, कांसे के गिलास में पी सकते हैं, पीतल का गिलास हो, अंदर से क्लई की हुई हो उसके अंदर आप पी सकते हैं। तो ये सारे ग्लासेस जो हैं रिकमेंडेड हैं। चांदी के गिलास में गर्मियों में पानी पी सकते हैं, सोने का गिलास तो खैर अफोर्डेबल नहीं है, बट अगर ईश्वर की दया हो और सोने के गिलास में सर्दियों में पानी पीना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। ये सारे पात्र हैं जिनके अंदर आप पानी पी सकते हैं। तो सुबह ये रहा जी तांबे का लोटा, गरम करा, गरम करने का कांसे के बर्तन में डाला और आराम से आपने इस पानी को पिया। ये आपका सुबह, हर रोज सुबह हमें प्रक्रिया जो है तांबे से संबंधित करनी चाहिए। तांबे से जुड़ी और बात, ये जो आप तांबे का लोटा देख रहे हैं ना, ये तांबे का लोटा ऐसा होना नहीं चाहिए। याद रखिएगा आपके घर में जितने मेटल के बर्तन हैं वो जितने चमके हुए होंगे, जितने अच्छे चमके होंगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। अब कितनी मेहनत हम कर सकते हैं ये हमारे टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है, कितना टाइम हम देना चाहते हैं, कितना हमारा शौक है कितना नहीं। साफ करने का तांबे के बर्तन को तरीका क्या है, नींबू लेना है, नमक लेना है, इससे अच्छे से रगड़ना शुरू कर दो, इससे अच्छे से रगड़ो, अंदर वाले को पहले रगड़ो, बाहर वाले को बाद में। अंदर की जो वेसल है, जो इसका अंदर का सरफेस है, ये जितना साफ रहेगा उतना अच्छा कॉपर रिलीज होगा, उतना आपकी सेहत के लिए अच्छा। कॉपर वेसल के ऊपर या अंदर जब भी हरी रंग की परत दिखने लग जाए, ग्रीन लेयर दिखने लग जाए, ये कॉपर कार्बोनेट की होती है जो कॉपर ऑक्साइड से बनती है। हमें कोशिश करनी चाहिए ये लेयर हट जाए। ये लेयर हटेगी, ये लेयर नहीं होगी, जितनी कम होगी उतना आपके लिए अच्छा।
अगर बहुत ज़्यादा लेयर होती है तो ये अच्छी नहीं मानी जाती है। इसीलिए कॉपर के पात्र को एक हफ्ते में, दो हफ्ते में, तीन हफ्ते में कम से कम एक बार अच्छे से नींबू और नमक के साथ में रगड़ेंगे, ये चमक कर बाहर आएगा जैसा आपने खरीदा था। तो इस तरीके से आप तांबे के बर्तन का पूर्णतः इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सुबह के समय में मैंने आपको बताया, सुबह के समय में आप अगर इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो सुबह का समय हुआ, सुबह उठकर आपने पानी पिया, पानी पीने के बाद में जैसा वाक्शी हर बार बताती है, कोई आयुर्वेदिक हर्ब जूस इस तरह का पिया, योगा प्राणायाम किया। अब बहुत घरों में, वैसे तो हम आपको छुड़वा चुके हैं, श्री राजीव दीक्षित जी ने बहुत बार बोला चाय जहर है, चाय अगर दूध वाली चाय को छोड़ दोगे तो इससे अच्छी चीज़ सुबह के लिए आप अपने शरीर के लिए नहीं कर सकते। बहुत उत्तम विचार है, लेकिन कई घरों में दिक्कत है, उनको लगता है नहीं हमें चाय पीनी ही है, तो कम से कम अपने बर्तन एल्यूमिनियम के सॉस पैन में चाय बनानी बंद कर दीजिए। अगर शरीर को बचाना चाहते हैं तो करना क्या है, सबसे अच्छा होता है पीतल का सॉस पैन, बाजार में मिल जाएगा, लेकिन अंदर करवानी पड़ेगी कलई। अब आते हैं पीतल के ऊपर, पीतल के ऊपर और मैं आपको बताऊंगा। पीतल अंग्रेजी में बोलते हैं ब्रास, ये एलॉय होता है दो चीजों का, कॉपर और जिंक। कितना, 60-40 की रेशो में मान लीजिए, 70-30 की रेशो में मान लीजिए। 60% इसमें तकरीबन कॉपर मान लीजिए, 40% इसमें जिंक मान लीजिए। 1% से 2% थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं, कई बार थोड़ा सा लेड हो सकता है, कई बार थोड़ा सा इसमें आयरन हो सकता है, कई बार टिन हो सकता है, ये सब हो सकता है। किसी भी हाल में लेड की जो मात्रा है, या आर्सेनिक की मात्रा है, या कैडमियम की मात्रा है, जो खासकर हैवी मेटल्स होते हैं, इनकी मात्रा जो है 0.3-0.5 से ऊपर ना जाए, इतना हमें प्रयत्न करना चाहिए। हालांकि बहुत सारे बर्तनों में 1%-2% तक भी लोग लेड मिला देते हैं, क्योंकि उससे इसको पीटना, इसको काटना, ये सब आसान हो जाता है। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए जहां से हम मेटल लेते हैं वहां पर लेड की मात्रा 0.3-0.5% से ऊपर ना जाए। लीचिंग जो है, लेड भी आपके शरीर में अगर माइक्रोग्राम में हर रोज जा रहा है तो नुकसान नहीं करेगा, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में जा रहा है तो नुकसान करेगा। तो अब इनको कितना प्योर हम बना सकते हैं, हमें बनाना है मुख्य तौर पर, जब आप ब्रास की बात करते हैं, पीतल की बात करते हैं, दो मेटल उसमें मिलने चाहिए, कॉपर और जिंक। जितना प्योरिटी को आगे ले जाओगे, 98%, 99%, 99.9%, उतना आपके लिए अच्छा। और पीतल का बर्तन लेने के बाद अंदर होती है टिन, टिन जो मेटल होता है उसकी कलई। अब ये कलई करने वाले भी आजकल आसानी से मिलते नहीं है, शोध का विषय है। वाक्षी ने रिसर्च करके पूरी दिल्ली में ढूंढ कर, हमने वो कलई वाले भी ढूंढे, हमने वो बर्तन वाले भी ढूंढे जहां से ये बर्तन आ सकें, यहां तक कि इनकी टेस्टिंग भी कराई गई। बल्कि मैं आपको पीतल के बर्तन पे जो मैंने टेस्ट कराया है उसकी रिपोर्ट दिखाता हूं। ये देखिए रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट जो आपने देखी होगी, इस रिपोर्ट के बाद में आप देख सकते हैं इसके अंदर तकरीबन 56-57% तक कॉपर मान लीजिए, इसके अंदर आप मान लीजिए जिंक जो है 37-38% तक है, लेड तकरीबन 0.3% तक है। तो ये बर्तन हमारे लिए ठीक हो गया। जिस जगह से हमें टेस्टिंग के अंदर ऐसा बर्तन मिल जाता है हम यूज़ कर सकते हैं। कोशिश किस चीज़ की करनी है, लेड को और कम कर सकते हैं तो करेंगे, इम्प्योरिटीज़ को और कम कर सकते हैं तो कम करेंगे। तो सुबह का जो आपने चाय बनाई कौन से बर्तन में बनाई, पता चल गया, पीतल का बर्तन हो सबसे बढ़िया, अंदर कलई की हुई हो तो बहुत बढ़िया। अगर नहीं हो मिले बर्तन तो क्या, वो पहली वाली जो मैंने पहले स्टेटमेंट शुरू में कर दी थी, एल्यूमिनियम को स्टील से रिप्लेस कर दो। कोई बर्तन अगर जो मैं बताने वाला हूँ इनमें नहीं मिलने वाला तो स्टील ले आओ, कम से कम नुकसान बच जाएगा। लेकिन कोशिश करनी है लाभ की तो उसके लिए एफर्ट भी एक्स्ट्रा डालना है, और एफर्ट हम इस तरह से डालने का प्रयत्न करेंगे। तो आपको समझ में आ गया, कलई के अंदर ये करवा देंगे तो बात बन जाएगी। पीतल के बर्तन को साफ करने का तरीका क्या है, पीतल के बर्तन में जब भी आप खाना बनाते हैं तो याद रखिएगा इसमें टिन की है कलई, टिन की कलई का मतलब टिन की चढ़ाई जाती है कोटिंग। अगर हम इसको रगड़ रगड़ के बहुत ज्यादा साफ करेंगे, जैसा मैंने बताया तांबे को साफ करो, अगर 100% प्योर मेटल है तो कितना मर्जी साफ करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लोहे की कढ़ाई है, इसके बारे में बताऊंगा, 100% लोहे की कढ़ाई है, अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पीतल के ऊपर हुई है टिन की कोटिंग, अगर रगड़ रगड़ के साफ करेंगे बहुत ज्यादा और ये टिन की कोटिंग हट जाएगी तो प्रॉब्लम बढ़ गई।
क्योंकि पीतल का इस्तेमाल केवल टिन की कोटिंग के बाद ही करना सबसे ज्यादा अच्छा है, वरना पानी के अलावा इसमें कुछ गर्म ही नहीं कर पाओगे। और चाय बनाते हुए दूध का इस्तेमाल हो रहा है, तो कॉपर हो गया जी, जिंक हो गया, लेकिन टिन की कलाई करानी जरूरी है, नहीं तो कॉपर और जिंक, कॉपर अगर दूध के साथ में रिएक्ट कर गया तो नुकसान कर सकता है। इसीलिए पीतल के बर्तनों का इस्तेमाल तभी करें जब इसके अंदर प्रॉपर कलाई हो। अगर ये नहीं दिख पा रहा, मैं आपको इसकी इमेज दिखाऊंगा। जैसे हमने एक डेढ़ हफ्ता इस्तेमाल करा है, हल्का हल्का इसमें थोड़े से निशान बने, जब कलाई हटने लग जाएगी तो प्रॉपर कलाई करवानी है, तभी इस्तेमाल करना है, वरना पीतल को इस्तेमाल नहीं करना। तो साफ करने का तरीका सबसे अच्छा क्या रहा, जब हमने चाय बनाई या कुछ भी ऐसा बनाया, पात्र में डाला, उसके बाद में इसको सिंक में, आजकल घरों में सिंक है हमारे, तो उसमें पानी भर के रख दीजिए। पानी रखने से क्या होगा, अंदर जितना भी इसके अंदर जो हमारे फूड का जो बचा हुआ हिस्सा है वो लगा हुआ है, वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। नॉर्मल एक कपड़ा लो, थोड़ा सा हल्का सा कोई भी डिटर्जेंट लो, उससे साफ करोगे और ये साफ हो जाएगा। ये तरीका है बर्तन को, पीतल के बर्तन या कोई भी बर्तन जिसमें कलाई कराई है उसको साफ करने का तरीका। अगर इसको ऐसे ही सूखा रख दोगे रसोई में तो हार्ड हो गई, अंदर जो है क्रस्ट बन गई फूड की, और फिर उसके बाद रगड़ रगड़ के साफ करोगे तो कलाई हट सकती है, कलाई हट जाएगी तो फिर ये बर्तन या तो दोबारा कलाई कराना पड़ेगा या फिर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो ये ब्रास के बारे में मैंने आपको बताया कि अगर सुबह के आपको अगर चाय बनानी हो तो पीतल के बर्तन में जिसमें कलाई कराई हो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब सुबह का आपने तांबे के बर्तन का पानी पी लिया, उसके बाद में आपने अगर चाय बनानी है घरों के अंदर, तो ये तरीका आपका हो गया चाय बनाने के लिए। अब आते हैं नाश्ते की बारी। नाश्ता बनाने के लिए हमें यूजली, नाश्ता हो, लंच हो, डिनर हो, जब भी आपको कोई भी मील है जब बनानी है, तो मुख्य तौर पर आपको क्या चाहिए होता है, एक आपको चाहिए होती है हांडी जिसमें बनती है दाल, या जो थोड़ी तरी की सब्जी होती है वो बनेगी। एक आपको चाहिए होती है कढ़ाई जिसके अंदर बनती है सब्जी। कौन से सबसे बेस्ट पात्र हैं जिसमें ये काम हो सकता है? अगर तो ये हांडी की हम बात करते हैं जिनके अंदर आपको दाल बनानी है या कुछ ऐसा बनाना है, उसको उसमें कुकर का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो कुकर के लिए क्या करना है, स्टील का कुकर लेकर आना, अच्छे ग्रेड का। एल्यूमिनियम के कुकर को थोड़ा भार करिए, स्टील के कुकर को लेकर आइए और उसमें बनाने का प्रयत्न करिए। लेकिन स्टील के कुकर के अंदर भी प्रॉब्लम ये होती है, कई बार सब्जी जो वो लग जाती है, कहते हैं कि हल्की सी आँच लग गई तो सब्जी खराब हो सकती है। ऐसे इमरजेंसी के केसेस में हमारे पास ऑप्शन नहीं बचता, हम एल्यूमिनियम को इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होते हैं। तो मैं आपको कहूंगा जितना हो सके उतना एल्यूमिनियम को बाहर करो। कहीं पर अगर डिपेंडेंस है कि नहीं भाई नई बात बन पा रही, वहां पे थोड़ा बहुत एल्यूमिनियम इस्तेमाल हो जाए तो कोई इतना बड़ा खतरा भी नहीं है, लेकिन कोशिश करनी है कि एल्यूमिनियम बाहर हो जाए। तो अब क्या हुआ, एल्यूमिनियम को बाहर करा, स्टील लेकर आए, स्टील का कुकर के अंदर बनाने की कोशिश करी, सपोज करो आंच लग रही है, खाना खराब हो रहा है, फिर क्या करेंगे? यहाँ पर आपको पीतल की जो हांडी होती है इनमें बनी हुई सब्जियाँ बहुत बढ़िया है। हांडी आपकी तीन तरह की, दो तरह की हो सकती हैं, एक तो कुकर बताया मैंने, स्टील का हो सकता है, मिट्टी की हांडी सबसे बेहतरीन, मिट्टी की हांडी सबसे बेहतरीन, लेकिन इसमें एडल्ट्रेशन के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा हैं। इसके साथ दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम ये कि अगर मिट्टी अच्छी और साफ जगह से नहीं आई हुई तो ये मिट्टी की हांडी काम की नहीं रहेगी, ये अमृत के बजाय भोजन को विष बना देगी। तो मिट्टी के बर्तनों पे आपको अगर और भी कुछ जानना हो तो मैं वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया है, पूरी वीडियो हमने मिट्टी के बर्तनों पे बनाई हुई है, उसको सुनेंगे क्लैरिटी आ जाएगी। याद ये रखनी है, मिट्टी का बर्तन हमें तब इस्तेमाल करना है जब हमें इस बात की पुष्टि मिल जाए कि मिट्टी अच्छी और साफ जगह से आई है। गंदी जगह की मिट्टी का अगर इस्तेमाल करेंगे और खाने के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो अच्छी बात नहीं है। यूजुअली जब इसमें खाना बनाकर खाओगे तो उस खाने के स्वाद से पता चल जाएगा कि मिट्टी अच्छी थी कि नहीं थी, ये एक प्रमाण ये अपना मिट्टी का बर्तन देता है। तो एक प्रॉब्लम क्या हुई इसके अंदर कि मिट्टी अच्छी जगह की होनी चाहिए, गंदी जगह की नहीं होनी चाहिए। गंदी जगह की होगी तो गलत कर देगी, खाने को नुकसान पहुंचाएगी। दूसरी बात, मिट्टी का बर्तन बहुत जल्दी क्रैक कर जाता है, बनाना बहुत महंगा, दूसरे राज्यों तक कोरियर के थ्रू पहुँचाना थोड़ा महंगा पड़ेगा, और उसके बाद इस्तेमाल करोगे और जल्दी से चटक गया तो नुकसान हो सकता है। मिट्टी के बर्तनों में जो इंसान इन दो संभावनाओं को, मिट्टी का बर्तन अच्छी मिट्टी का बना हो और साथ साथ मैं जब उसको हैंडल कर रहा हूँ तो जल्दी से ना चटके, ये हैंडल करने वाले के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है।
तो उसके तरीके हैं वो आप हमसे संपर्क करेंगे या वीडियो को देखेंगे मिट्टी वाली, तो आपको पता चल जाएगा इसको हैंडल करने के तरीके क्या होते हैं। अगर उससे करते हैं तो मिट्टी के पात्रों से अच्छा तो कोई पात्र ही नहीं है। समस्याएं 100% आपकी सॉल्व हो सकती है अगर मिट्टी के पात्रों पर आप काम कर लें, लेकिन इसकी अपनी समस्याएं, इसलिए मैंने आपको बताया। प्रैक्टिकली मिट्टी की हांडी हमारे घर के अंदर यूज होती है, मैं आज एक साल से यूज कर रहा हूं, तो विश्वास कीजिए इसमें दाल अगर हम बनाते हैं तो यूजली हम मिट्टी की हांडी में बनाते हैं, अदरवाइज बाकी बर्तन हम मिट्टी के नहीं कर पाते, टूटते ज्यादा है, नुकसान ज्यादा होता है, इसलिए हम विवश हैं। मटके का इस्तेमाल, जो पानी का पात्र है आपके घर में वो मिट्टी का हो सकता है, दाल बनाने के लिए हांडी जो है वो आप मिट्टी की रख लो, धीमी आंच के ऊपर पकने के लिए छोड़ दो दाल को, जब दाल बनकर तैयार होगी बेहद स्वाद होगी। ये दो पात्र हमें समझ में आते हैं जो मिट्टी के बर्तनों में आप काम कर सकते हैं। एक तो मिट्टी का मटका जरूर होना चाहिए घर में, जिसमें पूरा दिन, मैंने क्या बताया था, कॉपर का पानी केवल सुबह, पूरा दिन कोशिश करनी है मटके का पानी पीना है हमने, और मटके का पानी ना हो तो फिर पीतल के बर्तनों में पानी रख सकते हो, लेकिन पहला मटके का पानी सबसे अच्छा गर्मियों में और सर्दियों में आता है, तो इस तरह के पीतल के बर्तनों में पानी रखा हुआ बहुत अच्छा है, वो पी सकते हैं हम। मिट्टी के अंदर आपको समझ में आया, हांडी का आ गया आपको समझ में, और मिट्टी के अंदर मटके की रेलेवेंस आपको समझ में आ गई, ये दोनों आपके लिए बहुत अच्छे काम करेंगे। अगर हमें अब हांडी जो है वो पीतल की बनती है तो हमें क्या ध्यान रखना है, अब देखिए पीतल की हांडी में, वैसे मैंने आपको पीतल की कंपोजिशन और साफ करने का तरीका बता दिया, सेम चीज इस पे अप्लाई होगी। पीतल की हांडी मार्केट में दो तरह की मिलेगी, एक होती है जो शीट्स, अब क्या होगा ब्रास जो है वो शीट्स के फॉर्म में अवेलेबल है। अब ये क्या करेंगे, जब जो इनको बनाने वाले जो स्किलफुल वर्कर्स हैं वो इनको जोड़ेंगे, तो जब आपस में जोड़ेंगे वो शीट जोड़ के जब कोई बनता है बर्तन तो वो बहुत हल्का होता है, ये जो आप देख रहे हैं। तो एक तरीका ये है कि पीतल की शीट्स थी, पीतल की शीट्स को हमने आपस में जोड़ा और बर्तन आपको दे दिया। इसके अंदर कमी क्या रह जाती है, कमी ये रह जाती है जैसे स्टील के बर्तन में कुकिंग करते हुए आंच लग जाती है, ऐसे ही अगर पीतल की शीट से बने हुए बर्तन हैं जब हम इनमें खाना बनाएंगे तो उनमें भी आंच लगने का डर होता है। पीतल के जो पहले जमाने में बनते थे और जो अच्छे बर्तन बनते थे, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, सेम वॉल्यूम सेम है, बल्कि इसका ज्यादा है, लेकिन इसका वजन 3 गुना ज्यादा है, ये कास्टिंग से बनते हैं। सारे मेटल्स को आपस में पिघाला जाएगा, कॉपर और जिंक को, और उसके बाद में ये बर्तन पूरा बना दिया जाएगा, इसमें आंच लगने का डर कम होता है। बर्तन दोनों अंदर से कलई करवाए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, हल्का सा जो फर्क है वो इस चीज का है। तो इसीलिए हमें पीतल की शीट से बने हुए बर्तन चाहिए, पीतल की कास्टिंग से बने हुए बर्तन चाहिए, इन दोनों में आपको डिफरेंस जो है इस तरीके से पता चल सकता है। तो हांडी जो हमने जिसमें खाना बनाया वो कौन सी हुई, या तो मिट्टी की हांडी हो जाए तो बहुत बढ़िया, या पीतल की हांडी के अंदर अंदर से टिन की कलाई कराई हो वो बहुत बढ़िया, आपने उसके अंदर खाना बनाया, खाना बनाने के बाद में या तो उसको तुरंत जब आप खाना खाने बैठते हैं तो खाइए, खाने के बाद में बर्तन, पहले भी लोगों के घरों में फ्रिज नहीं होते तो यूज़ करके बर्तन जो है दोबारा आपके साफ होके लग गए। अगर आपको लगता है कि बर्तनों में खाने को स्टोर करना है देर तक, तो ऐसे केस में आपको वो बर्तन स्टील के कंटेनर में ही शिफ्ट करके रख देना चाहिए, या मिट्टी के बर्तन के अंदर उसको शिफ्ट करके रख देना चाहिए, ऐसा एडवाइजेबल है। क्योंकि ये बात याद रखिएगा, इन सारे बर्तनों के अंदर कॉपर है, और कॉपर के साथ में हम किसी भी फूड को बहुत देर तक नहीं रखना चाहेंगे। कॉपर थोड़ी देर तक खाने के साथ में कॉन्टैक्ट में रहता है तो अच्छा होता है, बहुत देर तक अगर रहेगा तो ज़्यादा एक्सेस कॉपर जो होगा वो रिलीज होने पे नुकसान करेगा। इसीलिए बोला क्या, पानी जब पीना है दिन में एक बार पीना है, सारा दिन पियेंगे हर चीज़ की अधिकता और उसकी कमी दोनों नुकसान करती है। तो एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये मान लीजिए, पात्रों का हम इस्तेमाल जरूर करेंगे, लेकिन अगर उन पात्रों का इस्तेमाल करने के बाद हमें कोई भोजन बच जाता है और उसको रखना पड़ता है, तो या तो मिट्टी के पात्र में रखेंगे या स्टील के पात्र में रखेंगे, ये दोनों अभी रेकमेंडेड है। तो इस तरीके से हम उन बर्तनों को जो है स्टोर कर सकते हैं। अब आपने हांडी बनाई, इसमें सब्जी जो बनानी चाहिए किसमें बनानी चाहिए, ये हो गई जी लोहे की कढ़ाई। अब इसके अंदर क्या कमी है, जैसा मैंने आपको बताया, चमकते हुए बर्तन होने चाहिए, लोहे के बर्तनों को चमकाना बहुत मेहनत का काम है। हमारे घर में गृहिणियाँ हैं, उनको बताया गया है, कोशिश करती हैं फिर उसके बाद में, लेकिन अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो मैंने आपको दिखाई है, नॉर्मल अगर साफ़ करते हैं तो इतना ही साफ़ होता है अच्छे से, लेकिन जितना इसको चमकाएंगे और जितना चमके हुए बर्तन आपके घर में होंगे उतना सौभाग्य का प्रतीक है, उतना ये आपके शरीर के लिए भी और आपके भाग्य के लिए भी दोनों के लिए लाभकारी होने वाला है। तो लोहे के बर्तन के अंदर आपने काम करना है, लोहे के बर्तन के अंदर आपको सब्जी बनानी चाहिए,
रूल वही अप्लाई करना है जिन बर्तनों की बात कर रहा हूं। खाना इनमें बनेगा लेकिन खाना इनमें रखा नहीं जाएगा। सेम रूल अप्लाई होता है लोहे पे। तो लोहे के अंदर आपने सब्जी ली, सब्जी आपने अच्छे से बनाई, खटाई का इस्तेमाल जितना कम हो सके उतना कम करें। खटाई का इस्तेमाल, जो भी खट्टी चीजें हैं, टमाटर हो गया, कुछ हो गया, ये याद रखिएगा, इन सब मेटल, ये सारे मेटल मेरे खाने में आने बहुत अच्छे हैं, लेकिन कोई भी ऐसा अटेम्प्ट जिससे मेटल बहुत ज्यादा खींच कर आएगा तो वो मेरे लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। तो जब भी इसके अंदर करें तो क्या करें, प्लेन सब्जी, प्लेन दाल ऐसी बनाइए। आखिरी में छोंक लगाना है तो किसी दूसरे बर्तन के अंदर शिफ्ट करा, छोंक लगाया और इस्तेमाल कर लिया। स्टील के अंदर शिफ्ट करके हमें रखना है या कुछ करना है तो हमने वो स्टोर कर लिया। इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करें। तो लोहे के बर्तनों के अंदर याद रखिएगा, दूध, अगर शुद्ध देसी गाय का दूध लोहे के बर्तन में पका कर पिएंगे तो पूरी जिंदगी है, जो आजकल हम प्रेगनेंसी के दौरान गोलियां खाते हैं ना फॉलिक एसिड की, जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे बच्चों के अंदर, 13 साल तक की बच्चियों के अंदर जो आयरन की कमी आ रही है उसका मुख्य कारण यह है, हमने लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। सब्जी लोहे के बर्तनों में बनाकर उसी वक्त बनाइए, बनाने के बाद दूसरे किसी पात्र में, स्टील के पात्र में ही ट्रांसफर कर दो चाहे, और उस सब्जी को खाइए, स्वाद बनेगी और आपके शरीर के लिए ज्यादा लाभकारी होगी। थोड़ा रंग उसका जरूर काला हो जाएगा लेकिन उसमें घबराने की बात नहीं है। बनाइए, बनाने के बाद शिफ्ट करिए और उस सब्जी को हर रोज खाइए। आपको किसी भी तरह के आयरन सप्लीमेंट्स की जरूरत कभी भी जीवन में नहीं पड़ने वाली। तो ये लोहे के बर्तन में, हम लोहे की कढ़ाई में हमने सब्जी बना ली, हांडी या तो मिट्टी की ली या फिर हमारे पास में जो ब्रास की अंदर से कलई करी हुई है वो ली, कास्टिंग वाली ली या शीट वाली ली, इसके ऊपर आपने समझ में आ गया दोनों का डिफरेंस। इसमें थोड़ा सा आँच लगने का डर है, इसमें आँच नहीं लगता है, ये दोनों का डिफरेंस आ गया। अब आ गया खाना बन के हमारी टेबल के सामने परोसा गया। अब खाना खाना कौन से बर्तन में चाहिए? खाना खाने के लिए जो बर्तन हमारे लिए होते हैं वो होता है कांसा। कांसा बेहद ही जबरदस्त मेटल है, जो हमारे बड़े बताते थे, ये टंकार आप इसकी सुन सकते हैं, इसकी टंकार जो ध्वनि है कितनी शार्प है, उससे इसकी क्वालिटी भी पता चलती है। लेकिन क्योंकि वाक्षी जो है केवल टंकार के बेस के ऊपर बर्तन नहीं खरीदती, हमारी आदत है चीज़ों की टेस्टिंग हम ज़्यादा कराते हैं, तो वो जो टेस्टिंग हमने करवाई है वो मैं रिपोर्ट आपको अभी कांसे की दिखाता हूँ। कांसे की रिपोर्ट देखिए। अब कांसे की रिपोर्ट जो आपने देखी, तो इसका सबसे अच्छा तरीका, इसका जो कंपोजिशन है, कांसा यानी के ब्रॉन्ज, हमने साइंस में पढ़ा एक ब्रॉन्ज एज, एक पूरा ब्रॉन्ज का युग रहा है, कांसे का युग रहा है, जब मैक्सिमम चीजें कांसे की बनती थी। तो कांसा होता है 80% कॉपर, 20% टिन। अब एक चीज इसमें समझने वाली ये है, हमारे पूर्वजों ने तांबे का इस्तेमाल हर जगह पे करने की कोशिश की है जब खाने से संबंधित बातें आती है। ये बात भी आप समझ गए होंगे, जितनी चीजों को हम जानते जा रहे हैं उतना थोड़ा सा हमारे लिए ट्रबलसम भी हो रहा है, लेकिन ये बात अच्छी है, जब हमें कुछ अच्छा चाहिए तो उसके लिए थोड़ा सा हमें पेन भी लेना पड़ेगा। जो पेन नहीं लेना चाहते उनके लिए, सबसे पहले वीडियो में मैंने एक बात कही थी, एल्यूमिनियम को कम कर दो, स्टील को बढ़ा दो, तो ना फायदा ना नुकसान। लेकिन अगर हम इनके लाभ लेना चाहते हैं तो इनसे संबंधित थोड़ी थोड़ी हमें पेन भी उठानी पड़ेगी। कितना संतुलन हम बना सकते हैं हमारे ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, लोहे की कढ़ाई में मुझे खाना खाने का शौक है, हमारे घर की गृहणियाँ इसको बेचारी साफ करती हैं, कोशिश करती हैं, थोड़ी साफ होती हैं, लेकिन कोशिश करनी है कि पूरा चमकाकर अच्छे से चमका सकते हैं क्या, जितनी कोशिश कर लें उतना अच्छा। तो कांसे के ऊपर हम अभी आ रहे हैं, कांसा कॉपर 80%, 20% टिन। खाना परोसने के लिए दुनिया के सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ मेटल्स में से एक है, पूर्वजों ने इसके ऊपर ग्रंथ लिखे हुए हैं। एक ग्रंथ का मैंने नाम भी देखा है, इसे बोलते हैं रस रत्न समीक्षा। तो रस रत्न समीक्षा जो है, ये एक नाम का ग्रंथ है जिसके ऊपर उन्होंने कांसे के बर्तन के अंदर बनाए गए जो जो कांसे के बर्तन में परोसे गया जो खाद्य पदार्थ है उसके बारे में उन्होंने विशेषता बताई है। तो कांसे के बर्तन के अंदर अगर हम खाना खाते हैं, ये हमारे मस्तिष्क से बहुत जुड़ा हुआ है, हमें इंटेलिजेंट बनाता है, बच्चों की बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाता है। सारे मेटल्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, इम्यून सिस्टम आप समझ ही गए होंगे कितना बिल्ड करने में मदद करता है, इसीलिए कांसे के बर्तनों के अंदर, ब्रॉन्ज के बर्तनों के अंदर खाने को परोसना चाहिए।
ये ब्रॉन्ज की कटोरी है जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, ये थाली है जो मैं लेकर आया हूँ। आज तकरीबन इसके अंदर हमें एक महीना हो गया है खाना परोसते हुए। विश्वास कीजिए, एक पिक्चर आपको और भी दिखाता हूँ, ये देखिए। ये पिक्चर जो आपने देखी है उसके अंदर आप समझ गए होंगे कि कितना शाही इसके अंदर जो है एक फीलिंग आती है कि जब आप इन बर्तनों के अंदर खाना खाते हैं तो एक रॉयल फीलिंग आती है। सोचिए, शरीर को लाभ पहुंच रहा है, आपको एक फीलिंग बहुत अच्छी आ रही है, और उसके बाद में आप खाने को सही अच्छे मन से जब आपकी माताएँ बहनें परोस कर आपको देती है, वो खाना नहीं बनता, वो अमृत समान हो जाता है। और सही मायनों में माने तो हम खाने को अच्छे से खा ही नहीं पा रहे हैं, जल्दबाजी में खाते हैं, भागा दौड़ी में खाते हैं, जिस वेसल में बना पकाया और खा लिया, ये सही तरीके हैं नहीं खाना खाने के। तो जैसा मैंने आपको अभी फोटोग्राफ में दिखाया, खाना दिन में चाहे एक बार बैठकर खाओ, लेकिन अच्छे से खाओ, संतुष्टि के साथ खाओ, जितने अच्छे पात्रों में हो सके उतने अच्छे पात्रों में प्यार से बनाकर खाओ, तभी खाना खाने का असली, भोजन करने का असली जो मज़ा भी है और उसका असली लाभ भी है, तो ये शरीर के लिए बहुत लाभकारी है। तो कांसे की कटोरियाँ, कांसे का गिलास, हर चीज़ जो आपको लगता है कि मैंने डाली और डालने के बाद तुरंत खा ली, उसमें कांसा इस्तेमाल होगा। स्टोर इसमें भी ज़्यादा देर तक नहीं करके रखना, लेकिन कोई भी चीज़, इसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि कॉपर के साथ 20% टिन आ गया, तो इसीलिए कॉपर एकदम लीच नहीं होता है। इसमें अंदर कलई करवाने की ज़रूरत नहीं है जैसे पीतल में थी, क्योंकि पीतल में क्या था, कॉपर जिंक, तो कॉपर और जिंक है, तो जिंक कॉपर को रोकने नहीं वाला था, टिन कॉपर को रोक सकता है। तो इसीलिए कॉपर के साथ में टिन है, आपने तुरंत डाला और तुरंत इसमें चाहे दूध पी लो, कुछ भी पी लो आप, वो आपको नुकसान नहीं करेगा, लेकिन स्टोर नहीं करना, तुरंत डाला और खा लिया तो इसका कोई आपको नुकसान नहीं बल्कि फायदा होता है। तो आपको मैंने बताया मील के समय में क्या हुआ, चाय बनानी है तो कौन से बर्तन में बनानी है, खाना बनाना है तो कौन से बर्तनों में बनाना है। ये मेरी पूरी किचन सेट है जो मैंने आपके, और देखिए इसमें मैंने स्टील भी रखा हुआ है, किसी भी चीज़ में किसी चीज़ के अगेंस्ट ना जाएं। देखिए, हर चीज़ में जीवन का दूसरा नाम है संतुलन। मैंने आपको इस पूरी वीडियो में एक ऐसा पॉइंट भी बताया जहाँ हो सकता है आप एल्यूमिनियम का कुकर इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हों, हमें पता है कि वो अच्छा नहीं है, लेकिन क्या करें, कोई है इंसान जो ये सारे बर्तन नहीं अफोर्ड कर पा रहा, उसको अपने शरीर के अंदर रोग भी नहीं चाहिए। मेरे घर के अंदर मैं 2 महीने तक कोशिश करता रहा, स्टील के मैंने सारे वेसल्स ले आया, सब में काम चल गया, लेकिन कुकर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, क्योंकि स्टील का कुकर लेकर आता हूं तो एक तो जल्दी खराब हो गया, दूसरा उसके अंदर आंच लग जाती थी तो खाना खराब हो जाता था। तो कुकर जो था एल्यूमिनियम का, मेरे ना चाहते हुए भी 2-3 महीने तक इस्तेमाल हुआ। अब हमने कोशिश कर दी है कि हम कुकर की जगह पे हांडियों का इस्तेमाल करने लग गए हैं, लेकिन ये चीज़ समय के साथ आती है। तो हमारे हिसाब से मेटल कोई बुरा नहीं है, लेकिन संतुलन आपस में बनाना ये बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा चांदी की कटोरी बहुत अच्छी है, अगर घर में छोटे बच्चे हैं और अगर आप खीर परोसना चाहते हो, दूध से संबंधित कुछ उनको परोसना चाहते हो, तो खीर तो बहुत मशहूर है कि अगर हम चांदी की कटोरी के अंदर चांदी के चम्मच के साथ में बच्चों को खिलाएं गर्मियों में, तो इससे बेहद अच्छी चीज़ नहीं हो सकती। तो ये एक अच्छी चीज़ आपके पास में आ गई। ये सारे मेटल्स के बारे में जो मैंने आपको बताया, अगर आपकी किचन में सही तरीके से सही मेटल पहुँच जाए तो आपका पूरा किचन सेट तैयार हो गया। एक और बात है जो चक्रधारी, जैसे मैंने चैनल के बारे में बताया, सौरभ भैया के बारे में उन्होंने एक बात और बताई थी, ये बर्तन जो होते हैं ये घर के अंदर आप ये समझिए आपके गहने हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा प्रदर्शित नहीं किया जाता, इनको घर के अंदर थोड़ा ऐसी जगह पे रखा जाता है जहाँ से ये बहुत ज़्यादा लोगों को ना दिखें। तो ये सच मानिए, जब आप इनका उपयोग करना अपने घर में शुरू कर देंगे तो एक अंतरात्मा को एक बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। ये मैंने महसूस किया पिछले 1-1.5 महीने के अंदर, जब आप इन बर्तनों को इस्तेमाल करते हैं तो ये अपनी खुशी आप तक शायद जाहिर कर रहे हैं कि आप जब इनमें खाना बना रहे हैं तो कितनी आत्मसंतुष्टि आपको महसूस होती है कि जितना मेरे पास ज्ञान है उसका सही तरीके से मैं इस्तेमाल करके अपने और अपने परिवार को निरोग्य करने में कामयाब शायद हो रहा हूँ। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, जितने बर्तन मैंने आपको अभी तक बताए हैं इनका सही तरीके से इस्तेमाल करें। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है, ज्ञान सब जगह है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली कैसे करके अपनी किचन को चेंज करना है वो एक एक अंश के बारे में मैंने आपको जानकारी इसके बारे में दी है। इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है ही, रिप्लाई लेट आता है लेकिन धैर्य रखें आता है, अगर नहीं आता तो व्हाट्सएप के ऊपर ही हल्का सा रिमाइंडर दें, हम आपको पूरी कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जितनी समस्याएँ उनको सॉल्व कर सकें। ये सारे मेटल आपको समझ में आए,
अब एक इंपॉर्टेंट बात, मैंने क्या बताया था, एल्यूमिनियम की जगह स्टील ले आए, लेकिन स्टील को अच्छा नहीं माना जाता। स्टील को अच्छा क्यों नहीं माना जाता, जितनी रिसर्च हमने करी है, इस कैटेगरी में दो मेटल्स आते हैं, केवल स्टील नहीं है। एक बर्तन होते हैं जिनको बोलते हैं भरत के बर्तन, आपके जो बड़े हैं दादा दादी माता पिता, हो सकता है इन्होंने भरत के बर्तनों का इस्तेमाल करा हो, मैं दिखा देता हूं। अब इसमें देखिए कन्फ्यूजन, ये है पीतल और ये है भरत, देखने में दोनों तकरीबन एक जैसे लगेंगे, पता नहीं चलेगा इनके अंदर कि पीतल है कि भरत है, लेकिन कोई आपको चिपकाने की कोशिश इसलिए नहीं करेगा क्योंकि पीतल से ज़्यादा महंगा होता है भरत। तो जाहिर सी बात है कोई आपको यूटेंसिल के नाम पे, पीतल के नाम पे भरत नहीं चिपकाएगा, वो बोलेगा कि ये भरत के बर्तन है। भरत को बोलते हैं जर्मन सिल्वर, इसको बोला जाता है निकल सिल्वर, तो ये एक मेटल है। अब कन्फ्यूजन ये हो जाएगी कि क्या होगा, आप अगर दुकान पर जाओगे बोलोगे मेरे को पीतल की कढ़ाई दो, तो आपने पूछा ये क्या भाव है, वो बोलेगा 500-600 रुपए किलो के आसपास है, वो बोलेगा ये क्या भाव है, वो बोलेगा 800 रुपए किलो के आसपास है, तो एक मानसिकता होती है कि हमें 800 रुपए किलो वाली चीज़ हो सकता है ज़्यादा अच्छी हो, अरे भैया तुम ये दे दो, दिख तो पीतल रहा है, ये भी पीतल होता है, दुकानदार को भी नॉलेज नहीं थी, वो भी कहेगा सर पीतल होता है, लेकिन ये पीतल नहीं है। इसीलिए मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, जिस भी दुकान का चयन करें अपने आसपास से, एक बार उससे लिए गए बर्तनों की टेस्टिंग जरूर करवा लें। अब आप कहेंगे टेस्टिंग कहां से करवाएं, आपके शहर के अंदर जो भी सुनार हो, सुनार जहां पर लंबी लाइन लगा के बैठते हो, सुनारों की कोई ना कोई मार्केट होती है, जहां पर सुनारों की मार्केट होगी वहां पर कोई ना कोई टेस्ट लैब भी होगी जो उनके ऊपर हॉलमार्क करती है, वहां इन बर्तनों की टेस्टिंग भी हो सकती है। तो करना क्या है, अगर तो हमारे यहां से बर्तन आ रहे हैं तो हम तो अपनी तरफ से प्रयत्न कर ही रहे हैं एक एक चीज को वेरीफाई करके अच्छे अच्छे जगह से लेकर आने की, लेकिन आपके आसपास में भी अगर आप इन बर्तनों को खरीदते हैं तो बर्तनों का एक एक सैंपल खरीदिए, और जहां सुनारों की मार्केट हो वहां जाकर टेस्टिंग लैब के अंदर मेटल टेस्ट करवा लीजिए। अब इसके टेस्टिंग के रेट सब जगह अलग अलग होते हैं, कहीं लगाए 300-400 रुपए भी लेते हैं, कहीं जगह पे 50-60 रुपए में भी कर देते हैं, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन पहले दुकानदार को चिन्हित करें, दुकानदार को बोलें मुझे शुद्ध पीतल चाहिए, जब वो गारंटी लेने को तैयार हो कि हाँ मैंने जो दिया है वो सबसे बढ़िया हो, तो कम से कम 98-99% प्योरिटी का बर्तन तो ले आइए। जो इम्प्योरिटीज हैं, मॉलिब्डेनम हो सकता है उसमें, थोड़ा सा कैडमियम हो सकता है, थोड़ा सा आर्सेनिक हो सकता है, थोड़ा सा कुछ है, घबराने की बात नहीं है। अगर 1% 1.5% के अंदर, 0.1% के अंदर ही अवेलेबल है, कोई भी आपकी इम्प्योरिटी जो है वो 0.5% से ऊपर नहीं है, तो घबराने की बात नहीं है, हमारा ऐसा मानना है, लेकिन कोशिश करनी है उसको प्योरिटी को स्थापित करने की। तो जैसा मैंने ये भरत लिया तो मैंने उसे पूछा ये कौन सा बर्तन है, उसने कहा भरत का बर्तन है, जर्मन सिल्वर है। अब उसको भी नहीं पता जर्मन सिल्वर में क्या होता है, मुझे भी नहीं पता जर्मन सिल्वर में क्या होता है, तो इसकी भी टेस्टिंग करवाई गई। तो टेस्टिंग में क्या निकला, इसकी टेस्टिंग में निकला था कॉपर तकरीबन 50-60%, इसके अंदर निकला आपका कॉपर के साथ जिंक तकरीबन 20-25%, और उसके साथ में निकल निकला 8%, तकरीबन कॉम्बिनेशन मानिए कॉपर जिंक और निकल का। तो कॉपर जिंक और निकल इस बर्तन में इस्तेमाल होता है। इसके इतिहास की बात करें तो चाइना में ये कहीं इस्तेमाल होता था पहले, उसके बाद यूरोपीय जो देश हैं वहाँ पर गया, वेस्टर्न सिविलाइजेशन में गया, हमारे पूर्वजों ने कभी भरत के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं किया, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि दादा दादी नाना नानी इनके समय में भरत के बर्तन आ गए थे, क्योंकि जर्मन सिल्वर जैसा इसका नाम है तो जर्मनी के कोई मेटलर्जिस्ट थे जिनके थ्रू ये भारत में आए हों, तो हो सकता है हमारे माता पिता दादा दादी ने इस्तेमाल करे हों, लेकिन इसका इतिहास भारत का नहीं है, भारत में इस मेटल का इस्तेमाल हुआ नहीं। तो कॉमन सेंस ये कहती है कि हम ये जानते हैं भारतीय संस्कृति सर्वोच्च रही है, जिन्होंने इतना सारा काम बर्तनों के ऊपर किया है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो निकल के बारे में ना जानते हो। निकल के बारे में वो जानते थे, लेकिन उनके किए गए किसी भी बर्तन के उपयोग में उन्होंने निकल को प्राथमिकता नहीं दी। स्टील और भरत, स्टील और जर्मन सिल्वर, आप समझ गए, इन दोनों के साथ में जो एक शंका मेरे मन में उत्पन्न होती है वो ये कि इसमें इस्तेमाल निकल का किया गया, और ये जितने बर्तन जो हमारे पूर्वज हमें देकर गए, चाहे कांसा हो, चाहे पीतल हो, चाहे आपका सिल्वर हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे मिट्टी के बर्तन हो, इनमें उन्होंने निकल को प्राथमिकता नहीं दी। वो टिन के बारे में जानते थे, वो सारी चीजों के बारे में जानते थे, उन्होंने निकल का उपयोग नहीं होने दिया। तो इसीलिए मेरा मानना है स्टील, अगर हम शरीर को लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो हमें स्टील और जर्मन सिल्वर भरत
जो हो सकता है बर्तनों की दुकान से आपके पास आए, इनका उपयोग हमें कम करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो ये मैंने पूरी किचन के बारे में आपको बताया। स्टील के अंदर कंपोजिशन क्या होती है, तकरीबन 50% आप मानो आयरन, तकरीबन मानो इसमें 11% से 18% तक क्रोमियम, और तकरीबन मानो 7 से 8% तक निकल। अच्छे ग्रेड का स्टील होगा तो वो 2% इसमें मॉलिब्डेनम और डाल देंगे, ताकि इसके अंदर अगर हम एसिड भी पकाएं तो स्टील को रिएक्शन ना हो। नॉर्मल ये जो स्टील के बर्तन होते हैं हमारे घर में, ये 304 ग्रेड के माने जाते हैं। 304 के बाद में मेरे ख्याल से 316 ग्रेड का एक स्टील आता है, जिसके अंदर वो मॉलिब्डेनम भी डाल देते हैं। तो अगर मैं इसमें एसिड भी डालूंगा तो रिएक्शन होने के चांसेस कम होंगे। तो मैंने जैसा पहले शुरू में बताया, साइंटिफिकली देखें तो स्टील बहुत सेफ है, लेकिन जिन ज्ञान की हम बात कर रहे हैं, हमारे पास ज्ञान ही अपने पूर्वजों के मुकाबले 15% केवल रह गया है। अब उसके आधार पर हम इतना ज़्यादा शोध अभी नहीं कर सकते, उसको और छानने की और जानने की ज़रूरत है। तो स्टील और जर्मन सिविल, हालांकि रिएक्शन होने के चांसेस साइंटिफिकली ये भी रिएक्ट नहीं करेगा निकल होने की वजह से, और ये भी नहीं करेगा, तो एल्यूमिनियम से तो बेहतर मानो, लेकिन घर में इनका इस्तेमाल करने की कोशिश हमें कम ही करनी चाहिए। इनको साफ करना, इनको कोरोजन होना, ये सारी समस्याएं इनके साथ में नहीं है, जर्मन सिल्वर के साथ भी और स्टील के साथ भी। लेकिन जैसा मैंने कहा, कोशिश हमें इस तरफ करनी चाहिए, नहीं तो स्टील तो बचा ही रहा है आपको। प्रिवेंशन के लिए एल्यूमिनियम को रिप्लेस करके स्टील तो बचा लेगा पहले डिफेंस में, लेकिन अगर लाभ लेना है तो ये बर्तनों का ज्ञान हमारे पास होना चाहिए। तो आज की वीडियो के अंदर मैंने उन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात करी, एडल्ट्रेशन होने के जो खतरे मैंने आपको बताया, कहीं से लेते हैं तो एक बार टेस्टिंग ज़रूर कराएं, क्योंकि पता नहीं होता। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जब मैंने हरिद्वार से तांबे का लोटा खरीदा था तो ये समझिए वहां पर 40-50% तक भी इसमें आयरन ऐड कर देते हैं। वो तांबा है 800-900 रुपए किलो, लोहा बहुत सस्ता आ जाएगा उसके मुकाबले, तो जाहिर सी बात है तांबे की एडल्ट्रेशन वो लोहे से करेंगे। उनको पता है यहाँ पे जो लोग आने वाले हैं वो जल चढ़ाने वाले हैं, तो उनको तांबे का क्या करना है। तो ऐसा भी हो सकता है। अब लोहे की एडिशन तो हमारे लिए इतनी खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर एडिशन किसी और तरीके से किसी मेटल में कर दी जाए तो वो खतरनाक हो सकती है। तो इसीलिए जिस भी दुकान से अपन ये बर्तन लें, एक बार उसकी टेस्टिंग ज़रूर कराएं और रैंडम उठा उठा के टेस्टिंग करवाएं। तो जो खर्चा होता है वो एक अलग बात है, लेकिन अपने पास में इस तरीके से अगर हमारा विश्वास हो जाए, प्रोड्यूसर को फिक्स करिए कौन से प्रोड्यूसर से कौन से दुकान पे आता है, और दुकान वाले से फिक्स करिए खुद को। अगर ये तीनों चीज़ें फिक्स हैं तो एडल्ट्रेशन के चांसेस नहीं है और इनका लाभ हमारे परिवार तक पहुंचेगा। ये इससे एडल्ट्रेशन से संबंधित चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। मेरे ख्याल से अब आपको पता चल गया होगा कि आपकी किचन कैसी होनी चाहिए अगर आप इसका 100% लाभ अपने लिए लेना चाहते हैं। समझदारी से बर्तनों का उपयोग करिए। जीवन का दूसरा मतलब यही है, जब आप लगातार इसमें रिसर्च एंड इनोवेशन करते हैं। सोचिए किराने की दुकान है हमारी, हम ये सब कुछ क्यों करते हैं। ये जीवन का उद्देश्य होता है कि जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में हम हैं उसमें दिन रात हम नई नई रिसर्च करते रहें, नए नए ज्ञान को प्राप्त करते रहें और उनको प्रैक्टिकल टर्म्स में यूज़ कर करके देखते रहें कि जो हमारे पूर्वजों ने कहा वो कितना सही था। इसके बहुत सारे लाभ होते हैं और यही जीवन जीने का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। इसीलिए बाक्षी दिन रात इसके ऊपर रिसर्च करके ये सारी चीज़ें आप तक लाने का प्रयत्न भी करती रहती है। तो प्रैक्टिकल और थ्योरी अप्रोच को मिलाकर मैंने आपके सामने ये रखा। आप सभी अपने जीवन में जैविक पद्धति अपनाएं, अच्छा स्वास्थ्य पाएं। गो ऑर्गेनिक, गो हेल्दी विद बाक्षी। वंदे मातरम।